हाय गाइस गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि सर गोइंग टू गो क्या होता है। उन्होंने कहीं देखा होगा गोइंग टू गो। अब गोइंग टू गो उन्होंने पूछा, तो मैं आपको समझा दूं कि गोइंग टू गो का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बिल्कुल फिजिकली आप चल के जा रहे, वैसा ही गोइंग है। ये गोइंग टू का एक इस्तेमाल है। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि नो आई एम गोइंग टू गो टू लखनऊ, सो आई एम गोइंग टू गो टू लखनऊ, तो इस गोइंग टू को आप यूँ समझिए कि आई एम प्लानिंग टू, ऐसा समझिए कि आई एम प्लानिंग टू गो टू लखनऊ। अभी मैं लखनऊ गया नहीं हूँ, बस मेरी प्लानिंग है कि अब मैं वहाँ पर जाऊँगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो ज़रूरी नहीं कि मैं ऐसे फिजिकली चल करके जा रहा हूँ। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट, तो ये तो पूरा का पूरा गोइंग टू है। उसके बाद मैंने स्टार्ट बोला है, उसी तरीके से स्टार्ट ना बोल करके मैं गो बोल देता हूँ। यू नो आई एम गोइंग टू गो टू दैट शॉप, आफ्टर दैट आई विल गो समवेयर एल्स। इनकी पहले भैया मेरी प्लानिंग है कि मैं दुकान पर जाऊँ, तो आई एम गोइंग टू गो टू शॉप, इट मीन्स कि मैं पूरा रेडी हूँ, अब मैं बिल्कुल दुकान पर जाऊँगा। तो उस प्लानिंग को मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर मैं जा ही रहा हूँ तो मैं सीधा ऐसे बोल सकता हूँ कि आई एम गोइंग टू शॉप, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ उसकी प्लानिंग बता रहा हूँ कि यू नो फर्स्ट आई एम गोइंग टू गो टू दैट शॉप, पहले भैया मैं उस दुकान पर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू दैट शॉप ना बोल करके मैंने बोला आई एम गोइंग टू गो टू दैट शॉप, तो थोड़ा सा फ़र्क हो गया कि गोइंग टू गो टू दैट शॉप मीन्स मैं अपनी प्लानिंग को रिवील कर रहा हूँ। ओके, मैं तुम्हें चाटा मारने जा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि यू नो आई एम गोइंग टू स्लैप यू। तो आई एम गोइंग टू स्लैप यू का मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे बिल्कुल फिजिकली चल चल के करके जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लैप यू मीन्स आई एम प्लानिंग टू स्लैप यू, इस तरीके से। तो अभी मारा नहीं है, बस मार देगा, मारने वाला है, वो पूरी प्लानिंग है, पूरा इंटेंशन बना चुका है कि भैया मार देगा। तो आपके पूरे इरादे को दिखाने के लिए गोइंग टू बना, आपका इंटेंशन है। जैसे आपने बोल दिया कि नाउ आई एम गोइंग टू लीव दिस जॉब, आई एम गोइंग टू क्विट दिस जॉब, तो गोइंग टू क्विट दिस जॉब का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे चल चल करके जा रहे हैं और कहीं पर जॉब छोड़ दिया आपने। अब अपने एक प्लानिंग बता रहे कि मेरा भैया इरादा बन चुका है, पूरा इंटेंशन है, आई एम गोइंग टू क्विट दिस जॉब। अब हिंदी में सोचेंगे तो मैं तो भैया नौकरी छोड़ने जा रहा हूँ, ये हिंदी बैठता है। अब अंग्रेजों को तो हिंदी नहीं पता, वो कैसे सोचेंगे, तो वो तो अपने ही अंग्रेजी में ही सोचेंगे ना। तो ऐसे सोचेंगे कि आई एम गोइंग टू क्विट द जॉब, इट मीन्स आई हैव डिटरमाइंड, आई हैव मेड अप माई माइंड टू क्विट द जॉब। मैंने भैया अपना दिमाग बिल्कुल तय कर लिया है कि मुझे नौकरी को छोड़ना है। ओके, ठीक है जी, तो समझ में आया। तो ये गोइंग टू का इस्तेमाल है, आप गो पे नाट के, गोइंग टू ईट, गोइंग टू ड्रिंक, गोइंग टू डांस, गोइंग टू स्मोक, गोइंग टू किल, गोइंग टू बीट, गोइंग टू बाइट, बहुत सारे आप इसमें वर्ड लगा सकते हैं, मतलब जो वर्ब है वो लगा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जैसे आई एम गोना मिस यू, ऐसे करके बोलते हैं आई एम गोना मिस यू। तो गोइंग टू को आपको पता ही है कि गोइंग टू को हम गोना भी कहते हैं। ओके, तो इस चीज़ को जैसे है कि आई एम गोइंग टू गो, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम गोना गो, आई एम गोना गो, ऐसे यू नो आई एम गोना गो टू मार्केट, यानी कि आई एम गोइंग टू गो टू मार्केट, आई एम गोना मिस यू, मैं तुम्हें मिस करने जा रहा हूँ, यानी कि मैं मिस करूँगा, पूरा अब ये तय हो गया कि मैं मिस ही करूँगा यार, बिल्कुल मैं मिस करूँगा तुम्हें बहुत ज़्यादा। आई एम गोना मिस यू, आई एम गोना क्राई अ लॉट टुडे, आई एम गोना क्राई अ लॉट टुडे, इट मीन्स आई एम गोइंग टू क्राई। इसका मतलब क्या है कि अब ये बिल्कुल अंदर से फील हो रहा है कि मैं रोऊंगा ही रोऊंगा, आई एम जस्ट गोइंग टू क्राई। तो यही है गोइंग टू की दुनिया, आप इसे गोना भी कह सकते हैं, आई एम गोना गो। ठीक है जी, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। चलो एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप में आपको दिखाता हूँ गोइंग टू गो का, बस फिर इसको फिनिश करते हैं। ओके, लेट्स गो, वी आर गोना गो एंड गेट द फुटेज एंड देन वी विल कम बैक हियर, वी विल हैव अ लिटिल लुक एट द फुटेज, सी इफ वी सी सम एनिमल्स। ओके ओके, एंड देन we're going to do the last bit of the journey towards where the journey ends. To dekh liya aapne kitna fast log bolte hain gonna go, aise karke baat karte hain. To I hope ki aapke samajh mein aaya hoga dosto, iske alawa isme kuch bhi nahi hai, bas aap aise hi samjhe, bas planning hai, just going to go kehne ka ek tarika hai. To bas milte hain agle video mein, till then take care, keep practicing and have fun. Thank you guys.